इंदौर के एरोडम थाना क्षेत्र में पिछले दिनों निर्माणाधीन मकान के रहवासी अपना सामान रख कर जाने के बाद चोरों ने मौका पाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों की पूरी वारदात वहीं पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर चोरों से लाखों रुपए माल बरामद कर चोरों को सलाखों के पीछे कर दिया है। इंदौर के एरोडम थाना क्षेत्र में स्थित महावीर कृपा रिवेन्यू कॉलोनी में रहने वाली महिला ने थाने में चोरी की घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी को खंगालते हुए कालू उर्फ जतिन वर्मा निवासी बिजासन कॉलोनी व अमन सोनी निवासी बाबू मुरई कॉलोनी में रहने वाले युवक को हिरासत में लिया, जिसके पास से मकान में से चोरी किया हुआ लाखों रुपए का माल भी जब्त किया है, जिसमें 6 पंखे, किचन सेट, फार्म सीटें और कुछ बिस्तर भी जब्त किए हैं, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। अन्य थाना क्षेत्रों में चोरी के मामलों के खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। इंदौर से सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट।